गेमिंग टेक। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का गेमिंग टेक पर एक बार फिर से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 times एक्सबॉक्स कॉपीड प्ले स्टेशन। तो इस वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलो। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट जो है वो है एनालॉग स्टिक्स को लेकर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इन स्टिक्स को कहते हैं एनालॉग स्टिक्स। तो पहले के टाइम पे या फिर ड्यूलशॉक 1 या फिर प्लेस्टेशन 1 की कंट्रोलर में ये स्टिक्स नहीं होते थे। तो सोनी ने सबसे पहले प्लेस्टेशन 2 की ड्यूलशॉक 2 में ये एनालॉग स्टिक्स को लाया था। तो इस तरह का नया कॉन्सेप्ट सोनी ने लाया था, तो इसी को एक्सबॉक्स ने कॉपी किया था। बस थोड़ा सा उन स्टिक्स की पोजीशंस को चेंज किया था, जो कि ऐसा दिखता है। सो ये डिफरेंस था बस, बाकी तो कॉपी किया है पूरा का पूरा एनालॉग स्टिक्स का सिस्टम ही। क्योंकि ये एनालॉग स्टिक्स काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, तो एक्सबॉक्स ने सोचा कि इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो इन्होंने इसको कॉपी कर दिया। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गेम स्ट्रीमिंग को लेकर। सो आपको पता ही है, एक्सबॉक्स में आप पुरानी गेम्स खेल सकते हो, वो बैकवर्ड कंपैटिबल है। मगर सोनी प्लेस्टेशन 4 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था, तो उन्होंने एक सर्विस स्टार्ट किया, प्लेस्टेशन नाउ। तो इस सर्विस से आप प्लेस्टेशन 4 पे प्लेस्टेशन 2 की या फिर प्लेस्टेशन 3 की गेम्स को खेल सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट निकाला था सोनी ने। तो इसी को कॉपी करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक गेम पास निकल दिया था। तो इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा एक्सबॉक्स की गेम्स देखने को मिलती है। तो इससे आप एक्सबॉक्स 1 या फिर एक्सबॉक्स 360 की गेम्स एक्सबॉक्स में स्ट्रीम कर सकते हो। सो गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है प्लेइंग गेम्स थ्रू सीरीज़। तो सोनी ने अपने प्लेस्टेशन 1 में सीरीज़ को लेकर गेम्स को बनाया था। तो निंटेंडो ने और सोनी ने कोलैबोरेशन करके एक कॉन्सोल डिज़ाइन किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि वो कोलैबोरेशन इतना ज़्यादा नहीं चला, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। तो इसी बीच एक्सबॉक्स ने सोचा है कि फ्यूचर में गेम्स को सीरीज़ के थ्रू ही खेला जाएगा। तो उन्होंने सोनी का सीरीज़ के थ्रू गेम्स खेलने का कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया और एक्सबॉक्स में डाल दिया। तो गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट है डीवीडी प्लेयर्स को लेकर गेमिंग कंसोल में। तो सोनी ने जो है अपने प्लेस्टेशन 2 में डीवीडी प्लेयर को भी डाल दिया था। तो इसका मतलब ये है कि आप गेम्स खेलने के साथ साथ मूवी भी देख सकते हो। वो गेमिंग कंसोल के साथ साथ एक होम एंटरटेनमेंट सिस्टम भी था। तो उस टाइम पे ये सबसे पहला कंसोल था जिसके साथ डीवीडी प्लेयर भी आती थी। तो सोनी ने ये चीज़ सबसे पहले लाई थी, तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चला। तो इसी को देखते देखते एक्सबॉक्स ने भी ये कॉन्सेप्ट को कॉपी कर दिया। तो उन्होंने एक्सबॉक्स ओरिजिनल में डीवीडी प्लेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये एक और बार एक्सबॉक्स ने प्लेस्टेशन को कॉपी कर दिया। सो हमारा लास्ट फैक्ट है एक्सक्लूसिव गेम्स और स्लिम वर्जन्स को लेकर। तो सोनी ने जो है अपना प्लेस्टेशन 2 में स्लिम वर्जन को लेकर आया था प्लेस्टेशन 2 फैट के बाद। तो नाम पढ़ के ही हमें पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट था। तो कुछ साल बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स 360 को रिलीज़ कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने एक्सबॉक्स 360 लाइट और एक्सबॉक्स 360 स्लिम को भी रिलीज़ कर दिया। और अब एक्सक्लूसिव गेम्स को देखने चले तो सोनी ने सबसे पहले अपने प्लेस्टेशन में एक्सक्लूसिव गेम्स को डाल दिया था। तो एक्सबॉक्स ने भी इसको कॉपी करते हुए अपने भी एक्सक्लूसिव गेम्स को थोड़ा थोड़ा डालते रहे हैं। तो गाइस, ये थी एक्सबॉक्स कॉपीड प्लेस्टेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देयर, टेक केयर एंड गुड बाय।